पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जय श्री राम। ये कार्यक्रम हमने बाबा ली क्रॉली जी का आश्रम बनाया है। यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 5 दिवसीय यज्ञ और यहाँ पर पूजन चल रहा है और बाबा के भक्त बहुत खुश हैं और हम बाबा से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो। जय श्री बाबा के आशीर्वाद से हम जल पर कृपा कर रहे हैं और ये यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है बाबा जी और बाबा जी जो शरीर को जैसे कि राम दरबार श्री गणेश जी और दुर्गा जी और शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही है और काशी जी के ब्राह्मणों के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और हम ये यही चाहते हैं कि बस भीम करोली बाबा की और बालाजी महाराज की हम सभी भक्तों पर ऐसे ही सदा कृपा बनी रहे और सब खुशहाल रहे। मेरा नाम है निशा जी का हरे रामा हरे कृष्णा जी का कीर्तन कर रहा था और हम चारों दिन से यहाँ पर आ रहे हैं और हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मस्ती की और हमें बहुत सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत आनंद आया यहाँ बाबा के ये उत्सव में। हम 5 दिन सम्मिलित हो रहे हैं, गेट में भी हम शामिल होते हैं, सुबह को शाम को गेट वगैरह चलता है वगैरह और शाम को ये कार्यक्रम होते हैं जैसे राठू श्याम जी का माता की चौकी है और हरे कृष्णा जी का कीर्तन है। इस समय सभी लोग भाग ले रहे हैं और सब अपने भाग के गुरु बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। जय श्री श्याम। बाबा की कृपा से जो ये आश्रम है बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ जिसमें कि पहले दिन माठू श्याम जी का कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन सुंदरकांड, तीसरे दिन माता की चौकी और आज यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन, कल बाबा का भंडारा और मूर्ति स्थापना है बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ पर, क्योंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हवन यज्ञ आदि बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ किए जा रहे हैं और सारे बहुत ही अच्छे बहुत अच्छे शास्त्रों के अनुसार बहुत ऊँचे पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर जो कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की जाती है कल यहाँ पर उनकी स्थापना है और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सभी बहुत ही प्रसन्न है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन बाबा जी का, दूसरे दिन माता की चौकी जिसमें काली जी थी और भी कार्यक्रम बहुत सुंदर से दिखाई गई जिसे देखकर भक्त गणों बहुत ही खुशी है और प्रतिदिन भजन सभी भक्तगणों ने नृत्य किया वो की देख के सभी आनंदित और इसका ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर सबको अपनी कृपा बनाए रखें। चाहे भक्तगणों पर भंडारा है जो सुबह से शाम तक लगेगा और भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर 5 बजे रोजाना ही है, सभी भक्त यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं और इसी के साथ विराम करो। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोड़ी आश्रम गांव उम्रीपुर सब्जीपुर में धूमधाम से 7वां बाबा नीम करोड़ी उत्सव मनाया जा रहा है। सायंकालीन सत्र में धीरशान दास अर्धमोनी ने हरिराम संकीर्तन किया और भगवान की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि घोर कलयुग में जो मनुष्य हरिराम पारायण है वो ही सफल है, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुँचा सकता। जिनके जीवन में हरिनाम आ गया समझो हरि आ गए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति रख दी है। नाम जप करने में समय का कोई नियम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है हरि नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश भी भगवान नाम की पूर्ण महिमा नहीं कह सकते। इस दौरान धीरशान दास जी के द्वारा सुंदर भजनों का गायन किया गया जिसमें उपस्थित सभी भक्त समूह ने सुंदर भजनों का आनंद उठाया।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।